गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ए न्यू टॉपिक दैट इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। आई डॉक्टर रमनदीप वेलकम यू ऑल। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन डिटेल कि हाउ टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर इन द मार्केट in the environment and what is the meaning of feasibility study. So what is the meaning of opportunity identification and selection? So entrepreneurship aapko pata hi hai ki entrepreneur ka jo main kaam hai wo hota hai opportunity ko dhoondna aur usko exploit karna. Ki entrepreneur jo hota hai wo yahi dekhta rehta hai ki market mein koi opportunity aayi hai, koi problem agar hai us problem ko kaise solve kare, to uske liye wo idea कंसीव करता है और उसको कन्वर्ट करता है अपॉर्चुनिटी जो आई है उसको अपने बिजनेस एंटरप्राइज में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि आइडिया को कंसीव करता है और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है एनवायरनमेंट में, कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है। जैसे इंडिया के अंदर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बना। ये जो प्रॉब्लम थी डीमोनेटाइजेशन की, ये किसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गया? पेटीएम के लिए। तो पेटीएम ने देखा कि ये देखो कितना अब डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, तो उसने हर घर घर हर एक शॉप के ऊपर पेटीएम की ऐप लगा दी। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको अपॉर्चुनिटी अगर उसके पास कोई आई है या कोई आइडिया उसके पास है तो उसको एनालाइज करना चाहिए डिटेल के अंदर। अदरवाइज अगर वो किसी भी आइडिया को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी उसके मिली है, अगर उसको बिना एनालाइज किए ही मार्केट में अगर वो कोई प्रोडक्ट उतार देता है तो उससे उसको फेलियर भी सहन करना पड़ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो तो एनवायरनमेंट में हमेशा रहती हैं, बट बहुत सारे लोग जो हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ना ही उनको पता लगता है कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है और इसका सलूशन क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है ये। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपको ढंग से देखनी है, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो डीप होनी चाहिए, वो बहुत एक्यूट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी जो निगाह होती है वो उसकी बहुत पैनी निगाह होती है, वो संसार को अलग तरीके से देखता है, वो पैटर्न्स ढूंढता है कि संसार में क्या चल रहा है, एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं, और उसमें से फिर वो अपना एक अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है, उसमें सिलेक्ट करता है। तो अपॉर्चुनिटी का देखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करनी बहुत जरूरी है ना। तो उससे पता लगता है कि थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है और उसको सिलेक्ट करना है तो थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो हम इसको डिटेल में करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ थिंकिंग। तो थिंकिंग किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? थिंकिंग डिपेंड करती है कि आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज कैसी हैं। कॉग्निटिव कैपेबिलिटी मतलब द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि आप कैसे सोचते कैसे हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है। तो वो सारे का सारा मेंटल से रिलेटेड है, मेंटल जो आपके माइंड से रिलेटेड है कि आप सोचते कैसे हो, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, आपकी सोचने का तरीका क्या है, वो माइंड के अंदर आपकी प्रोसेसिंग कैसे चलती है। तो वो आपके सोचने का तरीका जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस से निकल करके आता है, आपकी क्रिएटिविटी से निकल करके आता है, और आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी कितनी है। तो इन चीजों पर डिपेंड करती है थिंकिंग। तो जो जो भी आप इन्वायरमेंट में देख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उसको आप कैसे प्रोसेस करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाउ पीपल थिंक, है ना। आप सोचते कैसे हो, प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स ही नहीं दिखती, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो सब कहते हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो उन लोगों का जो सोचने का तरीका है, उनकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, वो जो चीजों को देख रहे हैं, हाउ दे आर परसीविंग द वर्ल्ड, हाउ दे आर लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड व्हाट दे आर थिंकिंग, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो वो जो थिंकिंग है, वो जो सोचने का तरीका है, वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितनी है आपकी सोचने की, आपकी सोचने का तरीका क्या है,
आपकी जो पहले की नॉलेज है उसकी कैपेसिटी स्टोर करने की कितनी है, आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं पहले के जो एक्सपीरियंसेस है उससे आपने क्या सीखा है, क्या सोचते हो, आप क्रिएटिव कितने हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है और आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कितनी है। तो रिसर्च जो है उसने ये पाया है कि जो क्रिएटिविटी है और जो डाइवर्स थिंकिंग है उससे आप अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे ढंग से देख सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो एक नया नया प्रोडक्ट लाने में। तो क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया करना। तो अब क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है तो इसका क्या इलाज है? तो उसके लिए आपको ज्यादा नॉलेज लेनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपके जो आपको कुछ ऐसे पजल सॉल्व करने चाहिए जिससे कि आपके दिमाग के दरवाजे खुलें, आपकी जो कॉम्प्लेक्स आपको कुछ करना चाहिए, कुछ किताबें अच्छी पढ़नी चाहिए जिससे कि आपके दिमाग की कुछ नसें खुल जाएं, तो उससे आप क्रिएटिव बन सकते हो। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है उसका क्या मीनिंग है कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी, आपको एक सिचुएशन दे दी, उसके ऊपर जितने ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं आप निकाल के दिखाओ। तो इस तरह की थिंकिंग से और इस तरह की क्रिएटिविटी से आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये भी देखा गया है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है जनरल उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन पे, कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आप चीजों को कितना कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी है, आपको आपकी जो इसको हम बोलते हैं रीजनिंग कितनी अच्छी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब जो हमें पता लग गया कि अगर आपको एक नया आइडिया लेके आना है या फिर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी को देखना है तो बिजनेस जो है वो तो सारे का सारा आइडिया पे या अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है ना। तो अब अपॉर्चुनिटी या आइडिया कैसे आए वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग कैसी, ये पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो थिंकिंग दो तरह की होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अब हम इसको डिटेल में करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? इसमें ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो निकालने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है बहुत कॉमनली यूज की जाती है एक क्रिएटिव एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि ये आपको दिमाग को एक्सपेंड करता है नई नई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए और चीजों को नए ढंग से करने के लिए। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? बहुत सारे यूनिक सॉल्यूशंस को क्रिएट करना, उसको तैयार करना ताकि एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो। तो ये आपके हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपको कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाती है और आपको ये बोला जाता है कि आप इसके जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं सारे के सारे लिख दो। तो उसमें आपका दिमाग एक्सपेंड होता है, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज देखते हो, नई नई चीजों को करने के ढंग देखते हो, तो आप में पूरा मौका मिलता है आपको कि जितने भी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कर दो। तो ये स्पॉन्टेनियस मैनर में होता है, फ्री फ्लोइंग मैनर में होता है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को जितने तरीकों से आप उसको ठीक कर सकते हो आप उसको करिए, आपको पूरे चांसेस दिए गए हैं। तो एक बार जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सारे के सारे आइडिया आप आ जाते हैं, फिर आप उनको क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो यूजिंग द कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, जितने भी सोल्यूशन आपके पास आए हैं उन सब सोल्यूशंस को देखते हुए, उनको एनालाइज करते हुए आप उसमें से एक बेस्ट सोल्यूशन निकालते हो। तो दो तरह की थिंकिंग हो गई, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दे दी, एक प्रॉब्लम के जितने भी यूनिक सोल्यूशन हो सकते हैं वो आप क्रिएट करते हो, इसमें आप अपने दिमाग को बहुत दौड़ाते हो, जितने भी आपको पॉइंट मिलते हैं नए नए उन सब पॉइंट्स को आप बताते चले जाते हो, तो वो सारे के सारे जितने भी सोल्यूशन हैं उनको फिर हम स्टडी करते हैं, लास्ट में उन स्टडी करने के बाद उसमें से एक बेस्ट सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओके, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का आप एग्जाम्पल देखो। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एक प्रॉब्लम से या एक क्वेश्चन से। तो ये देखो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम या सोल्यूशन के जितने भी इस प्रॉब्लम या क्वेश्चन के जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं वो आपको नोट करने होते हैं। तो ये सारे के सारे आपने इसके सोल्यूशंस बता दिए, है ना। तो आप एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हो और आपको पूरा मौका मिलता है कि आपको पूरा टाइम दिया गया है, आप जितने सोल्यूशन इसके हो सकते हैं वो सारे के सारे नोट कर लो। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लो आप एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट हो और आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दिया है, तो आपको उसने क्या बोला है,
मान लो आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, तो उसने ये कहा है कि आप आपको एक एग देती हूं मैं, एक अंडा है, और इस अंडे को आपको एक किसी ऐसे चीज के अंदर रखना है कि अगर हम इसको 15 फुट से नीचे फेंकें तो ये फूटना नहीं चाहिए, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये टास्क आ गया ना, प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन है कि एक अंडे को किस चीज के अंदर रखें कि अगर उसको हम नीचे फेंके तो वो टूटे नहीं। तो अब इसके जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं वो सारे के सारे आप इसको नोट करोगे, दैट इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो वो कैसे हो सकता है कि आप एक लकड़ी का बॉक्स बनाओगे, उसके अंदर आप स्ट्रॉ डाल दोगे, जो हम देखते हैं सेब वगैरह में जो लकड़ी होती है, वो जो घास फूस सा रखा होता है। दूसरा ये है कि आप कॉटन का पिल्लो बनाओगे, फिर उसके अंदर उसको एग को रख दोगे कॉटन के पिल्लो में, उसको उसको सी दोगे। तीसरा ये है कि आप एक प्लास्टिक का कंटेनर बना लोगे, उसके अंदर पानी भर दोगे, उसमें अंडा रख दोगे। तो ये देखो ये सोल्यूशन आ गया ना, प्लास्टिक में, वुडन में, मेटल का बना लेंगे, कॉटन का बना लेंगे। तो ये सारे की सारी प्रोसेस क्या है, दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आप एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन के ऊपर जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं उन सब की एक लिस्ट बनाते हो, दैट इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब भी आप मान लो कोई पोइम लिखते हो या फिर आप ऐसे लिखते हो, तो आपके पास कितने करेक्टर्स होते हैं, आपके पास कितने वर्ड्स होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई भी थीम बना सकते हो, कोई भी इवेंट क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी आपको बोला जाता है, तो जब भी आपके पास बहुत सारी चीजें चॉइस होती है बहुत कुछ करने की, बहुत सारे सोल्यूशन आप देते हो, तो ये जो क्रिएटिव प्रोसेस होती है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग मांगती है ना। तो अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो है पेपर क्लिप के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, तो पेपर क्लिप के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो आपको पता है, तो वो आपको बताने होते हैं कि पेपर क्लिप जो है वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ऑब्जेक्टिव क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग का, कि हम जितने भी सोल्यूशन मांगते हैं वो एक लिस्ट मांगते हैं कि जितने भी है आप दे दो बस सोल्यूशन। तो इसमें हम बहुत सारे आइडिया जनरेट करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करवाना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। क्रिएटिविटी बहुत आती है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको पूरी छूट दी गई है कि आपको जितने भी आइडियाज देने हैं, अनएक्सपेक्टेड आइडियाज, सरप्राइजिंग आइडियाज जो हमने कभी सोचे ही नहीं, उसमें तो क्रिएटिविटी बहुत है, नई नई चीजें आप सोचते हो। और गेन इनसाइट अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है उसके जो वेरियस एस्पेक्ट हैं उसके अंदर आप जाकर के नए नए सोल्यूशन निकालते हो, तो आपको बहुत सारी चीजों का पता लगता है उस टॉपिक के बारे में। फ्री फ्लोइंग मैनर के अंदर आप ये काम करते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जितने भी आइडियाज देना चाहते हो आप दे सकते हो। इससे आपको एक ऐसा ग्रेट डिजाइन आप बना सकते हो, कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिलता है या फिर एक बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो इस तरह की थिंकिंग से, क्योंकि सबसे पहले आप आइडियाज निकाल करके ला रहे हो, और इसमें से आप जब आइडिया को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया निकल करके आएगा। इसमें हम ब्रॉडली सोचते हैं क्योंकि आपको पूरी छूट है कि आप कितना भी सोचिए कोई भी नया आइडिया लेके आइए, इसमें आप ओरिजिनल आइडियाज लेकर के आते हो, ओरिजिनल आइडियाज आपके पास होते हैं क्योंकि इसमें आप इलेबोरेटली थिंक करते हो, इलेबोरेटली सोचते हो, तो इन चीजों को देखते हो, ओरिजिनली आप देख रहे हो, नए नए आइडियाज लेकर के आ रहे हो। अब बात आती है कन्वर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो इसमें आप क्या करते हो, जितने भी आपको सोल्यूशंस दिए गए हैं, जितने भी आपको ये जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, इसमें से आप एक बेस्ट सोल्यूशन निकालते हो। जितने भी आपको सोल्यूशन दिए हैं उसमें से आप इन सबको एनालाइज करके एक बेस्ट सोल्यूशन, सिंगल बेस्ट सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसको निकालते हो। जैसे जितने भी आपको क्लासेस के अंदर एमसीक्यू करवाते हैं, स्पेलिंग टेस्ट होते हैं, मैथ के जो क्विज हैं, स्टैंडर्डाइज जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे कन्वर्जेंट थिंकिंग है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इज ऑल्सो लॉजिकल थिंकिंग। तो इसमें क्या है, हम लोग नए नए सोल्यूशन नहीं लेके आ रहे, जो ऑलरेडी आपके पास है, मान लो ये 7 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से एक बेस्ट सोल्यूशन को चूज करना क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अगर आपको आंसर का पता है, मान लो आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है उसके 7 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है, तो अगर आपको आंसर का पता है तो आप इन 7ों को एनालाइज करके बेस्ट ऑप्शन निकाल लोगे, तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो कि आप जो है स्टार्ट करते हो इंफॉर्मेशन के साथ, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपके 8 जो है ये सोल्यूशन है, तो इन 8 सोल्यूशन में आप क्या करते हो, इन सारे के सारे
सॉल्यूशंस को आप रीड करते हो, एनालाइज करते हो, और अल्टीमेटली आप क्या करते हो, एक सॉल्यूशन के ऊपर ये सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको निकालते हो. दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, किसी भी एक एक सॉल्यूशन को चूज करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग. जब भी आप कोई करेक्ट आंसर निकालते हो किसी क्वेश्चन का, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है. अब इसमें आपको पता है कि एक ही कैपिटल है, तो आप क्या करते हो, मुझे बताते हो कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब आप एक सिंगल बेस्ट आंसर देते हो आउट ऑफ द ऑप्शंस. ओके, जब आप एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो तो दैट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको एक बेस्ट ऑप्शन निकालना होता है ना. तो कन्वर्जेंट जो होता है, इसमें सारे के सारे सोर्सेज जो होते हैं, आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता है. तो मैथमेटिक्स के अंदर और साइंस के अंदर जो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस करते हैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं, वो एक सिंगल बेस्ट आंसर निकालते हैं. कन्वर्जेंट थिंकिंग के एलिमेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आपको एक बेस्ट सोल्यूशन निकालना होता है आउट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. दूसरा ये है कि आपको एसोसिएशन, मेकिंग एसोसिएशन मीन्स कि कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम जो होती है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होता है और एक ऐसा यूनिक एसोसिएशन निकालना होता है जो प्रॉब्लम के पार्ट्स में फंसी हुई है. मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें पांच ऑप्शन है, तो पांच ऑप्शन के अंदर आपको हर एक पार्ट को सिलेक्ट करना होता है और इन सब पार्ट्स के अंदर आपस में एसोसिएशन बना करके आपको एक बेस्ट ऑप्शन निकालना होता है. तो सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना, उनके अंदर एसोसिएशन निकालना, ये सारी की सारी चीजें कन्वर्जेंट थिंकिंग में होती है. एक्यूरेसी एंड लॉजिकल, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो स्पीड के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर, लॉजिक के ऊपर और फोकस करती है काउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर. तो ये कोई हवा में बातें नहीं चल रही है, आप मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर लॉजिक का यूज करते हुए कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हो. क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन होना चाहिए. अगर आपको सिंगल बेस्ट आंसर चाहिए तो आपका क्वेश्चन भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि उसके चार ऑप्शन हैं और इसमें से एक ऑप्शन सही है, तब आप इसको यूज कर सकते हो. कन्वर्जेंट थिंकिंग इज बेस्ड ऑन नॉलेज. अगर आप ऑलरेडी जो आप जानते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है. अगर आपको, अगर मैं आपसे पूछूं टिम्बकटू कहाँ है, तो आपको नॉलेज ही नहीं है उसकी, तो वो आप नहीं बता पाओगे. तो जब भी हम कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको ऑलरेडी हमें टीचर ने करवाया होता है, ऑलरेडी टीचर ने हमें पहले करवाया होता है और फिर उसका टेस्ट लेता है वो. तो वो जो है, हम ये उस सिचुएशन में ज्यादा इफेक्टिव होती है जहाँ पे रेडीमेड आंसर होते हैं और आपको जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर है वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है. ओके, डिफरेंस क्या है डाइवर्जेंट में और कन्वर्जेंट में? देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया था वो थिंकिंग है जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है स्टार्टिंग में और इसके आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने होते हैं. बहुत सारे सॉल्यूशन जो भी आपको पता है वो आपको देने होते हैं. और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको दिए होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको दिए होते हैं, इसमें से आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होता है जो कि लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर और लॉजिक के ऊपर. तो साइंस और मैथमेटिक्स में कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है. और जब भी आप कोई नई चीज का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आप बहुत सारे सॉल्यूशन का मौका देते हो कि जितने भी हो सकते हैं सारे निकाल दो. तो सबसे पहला टॉपिक का जो इसका डिफरेंस है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है गोल. कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है उसका जो गोल होता है ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन निकाल के लेके आना ताकि हम उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें. यहाँ पे हम सोल्व नहीं कर रहे बट हम नए नए सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं. और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसकी जो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि बेस्ट सोल्यूशन लेके आना प्रॉब्लम का. दूसरा है नेचर ऑफ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम जो होती है इसके अंदर वो स्पॉन्टेनियस होती है और फ्री फ्लो आपको टाइम दिया जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर. और नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर सिस्टमेटिक और लॉजिकल होता है. जो बेस्ट सोल्यूशन आप निकालोगे वो लॉजिक के ऊपर और सिस्टमेटिक वे से आप उसको सॉल्व करते हो. बट डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर जो नेचर है डाइवर्जेंट थिंकिंग की वो स्पॉन्टेनियस है और फ्री फ्लो है, कोई प्रेशर नहीं है, जितने मर्जी सोल्यूशन आप निकाल दो. क्रिएटिव डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है बट कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, उसके अंदर लॉजिक लगता है. सिचुएशन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो स्टार्ट होती है एक प्रॉब्लम से
एक प्रॉब्लम दी जाती है आपको और फिर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके सोल्यूशन और ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव डालते चले जाते हो। बट कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपको बहुत सारे सोल्यूशन दिए होते हैं और आपको क्या करना होता है, इस बेस्ट सोल्यूशन में से एक बेस्ट निकालना होता है सिचुएशन। फिर स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस ये ऑलरेडी वही है, सिचुएशन ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस का करवा दिया आपको ऊपर वाला। सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में बहुत सारा काम आती है। ओपन एंडेड मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है बट आपको ओपनली हमने बोल दिया कि जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं दे दो, जैसे पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि पॉवर्टी इंडिया में क्यों है, तो इससे रिलेटेड जितने भी सोल्यूशन होंगे वो सारे के सारे आप इसमें डाल सकते हो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। बट कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर कौन सी सिचुएशन में काम आती है, जब आपको एक करेक्ट आंसर चाहिए, ऑलरेडी जो आपके पास आंसर्स हैं उनमें से एक बेस्ट आपको अगर चाहिए होता है। फिर एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कुछ भी स्थिति साफ नहीं होना, मतलब दो मुंह बात कह लो या फिर क्लियर नहीं होना कोई भी सिचुएशन, तो एम्बिग्यूटी जो होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर इस तरह के आइडियाज भी निकल करके आ सकते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं हो, जो अनयूजुअल है, जो सरप्राइजिंग है। बट कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर लॉजिक लगता है, इसमें एक्यूरेसी लगती है, इसमें लॉजिक होता है, तो इसमें बेस्ट आंसर निकल करके आता है, तो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती, ये लॉजिक और रीजनिंग पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो लॉजिकल नहीं होती, वो क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर लॉजिक बहुत ज्यादा लगता है, इसमें मैथमेटिक्स और साइंस लगती है। मेकिंग एसोसिएशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर हम जो आइडियाज हैं वो अलग अलग तरह के आइडियाज हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जैसे पॉवर्टी के लिए आप किसी भी तरह के कारण बता दो, उन सब किसी भी तरह का आप एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो, है ना, तो इसमें किसी तरह का कोई एसोसिएशन आप बना सकते हो। बट कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आप इस तरह का एसोसिएशन नहीं बनाते, ये एक लॉजिकली आप इसको सॉल्व करते हो, तो इसमें क्या करते हो आप, वो जो ऑलरेडी है उसी में से आप मैथमेटिक्स लगाते हो बस, तो इस तरह से आप एसोसिएशन नहीं बना सकते। एक्यूरेसी और करेक्टनेस की बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर मल्टीपल सरप्राइजिंग आंसर्स निकल करके आते हैं बट एक्यूरेसी और करेक्टनेस नहीं होती, कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम लॉजिक लगाते हैं तो इसमें करेक्टनेस होती है। रिस्क किस में जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप रिस्क लेते हो क्योंकि आप नए नए इसमें पॉइंट्स जोड़ रहे हो, तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो सेफ प्ले करता है क्योंकि इसमें लॉजिक लगता है। नॉलेज, नॉलेज की अगर बात करें तो जो आप ऑलरेडी नहीं जानते हो, आप तो नए नए सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर नॉलेज होना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आप तो जो अलग अलग आदमी अलग अलग तरह के आइडियाज लेके आएंगे जो बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, बट कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है उस सब्जेक्ट की जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो इसमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी, ये जो इसके लिए देखा गया है कि जो आदमी एक्सट्रोवर्ट होता है या फिर जो ओपन आदमी होता है वो ज्यादा सोल्यूशन निकाल करके ले आता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए एक्सट्रोवर्ट टाइप का आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओपन रहता है, बट कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए ऐसा आदमी जो लॉजिक पे ज्यादा चलता है, जिसको नॉलेज ज्यादा है, वो इसमें ठीक रहता है। ओके, रिलेशनशिप क्या है डाइवर्जेंट में और कन्वर्जेंट में? देखिए, जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी हो तो अपॉर्चुनिटी को जो आइडेंटिफाई हम करते हैं वो हम करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बस। मैंने आपको बताया ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आप जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं प्रॉब्लम के उन सब सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हो, उन सब सॉल्यूशंस को इकट्ठा करते हो, तो वी आर क्रिएटिंग चॉइस और अपॉर्चुनिटीज, वी आर जस्ट कलेक्टिंग सम सॉल्यूशंस। तो अपॉर्चुनिटी को जब आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो हम कौन सी थिंकिंग का यूज करते हैं, डाइवर्जेंट, और जब ये सारे सॉल्यूशन इकट्ठे हो गए हैं, सारे के सारे आपके पास अल्टरनेटिव वेज आ गए हैं, उसमें से एक सिलेक्ट जब करना हो तो फिर हम कौन सी थिंकिंग का यूज करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें हम चॉइस या जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनका एक फाइनल सिलेक्शन करते हैं, आप चॉइसेस को सिलेक्ट करते हो।
तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है स्टार्टिंग में काम आती है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है लास्ट में किसी भी एक बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट करने में काम आती है, ताकि आगे उस पे आप आइडिया पे काम कर सको। अब बात आती है कि आइडियाज को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, आइडियाज जो भी आपने जनरेट किए हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग से, अब इसको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि आगे चल के ये एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाए। तो एक जो आइडिया आपका आपने सिलेक्ट किया है, इसको किस तरह से आप आगे इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसी भी आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर के पास ये फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि वो इस आइडिया को कन्वर्ट कर दे अपॉर्चुनिटी में। तो पहली है, एंटरप्रेन्योर के पास नॉलेज होनी चाहिए, उसको इस पूरे सब्जेक्ट की, उसको प्रोडक्ट की, मार्केट की, सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसने जो आइडियाज सिलेक्ट किए हैं उनमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। दूसरा, वो क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ नया सोचने का, नया करने का, कुछ नया कॉम्बिनेशन निकालने का, प्रोडक्ट कैसे मार्केट में लेके आए नए तरीके से, किस तरह के नए नए मॉडल लेके आए, कोई नई प्रॉब्लम अगर उसको दिख गई हो, कोई नया आइडिया अगर उसके मन में आ गया हो। उसके अलावा कंपिटेंसी, अगर आपने देखा हो कि जो बिजनेस के आइडिया को आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो एंटरप्राइज में, आइडिया तो लाखों लोगों के मन में आते हैं, आइडिया तो ऐसे हैं जैसे पेड़ों पे पत्ते लगते हैं, तो बट कौन इस आइडिया को कन्वर्ट कर सकता है बिजनेस में? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो रिस्क लेता है, कैलकुलेटर, जो रिस्क लेता है, जिसके मन में एक एक आग लगी हुई है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ देश के लिए करना है, अपने लिए कुछ करना है। तो उसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, उसको वो कॉम्पिटेंसी कन्वर्ट करनी चाहिए, अपने कन्वर्ट करने में काम आती है। तो वो कॉम्पिटेंसी क्या है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको देखने का तरीका उसका अलग होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट है स्किल्स। स्किल्स का मतलब है कि डिफरेंट तरह की स्किल्स एक आपको चाहिए होती है आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी आप किसी आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपके पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। स्किल होता है किसी काम को करने का ऐसा तरीका जिससे बेस्ट वे में होता है। ओके, असेसमेंट ऑफ आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी, कि जब भी कोई आइडिया आपके पास आता है और आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब देखिए, आइडिया और अपॉर्चुनिटी अलग अलग होते हैं। आइडिया जो है वो आपके दिमाग में जो चल रहा है, इट इज जस्ट ए कंसेप्ट, और अपॉर्चुनिटी क्या है, जब आप उस आइडिया को रिसर्च करके रिफाइन कर देते हो, दैट इज बिकमिंग द अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हो वो किस तरह की है, किस मार्केट में आप इसको लॉन्च करोगे। जब भी आप कोई आइडिया लेके आ रहे हो, वो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हो, इसकी मार्केट कौन है, इसके कस्टमर कौन है। तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस आइडिया से किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस निकल करके आएगी। एप्लीकेशन एंड यूज, कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस बनाओगे, इस आइडिया को आप कन्वर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, इसके क्या क्या एप्लीकेशन होंगे, इसके क्या क्या यूजेस क्या क्या होंगे, किस तरह से ये कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। देखिए, जब भी कोई आइडिया या अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, तो इसमें दो तीन चीजें देखी जाती हैं कि कंज्यूमर कैसे बेनिफिट होगा इससे, ठीक है, अब बिजनेस के लिए ये प्रॉफिट कैसे क्रिएट करेगा, और ये लॉन्ग टर्म में आपको कोई वैल्यू क्रिएशन देगा कि नहीं देगा, तो ये सारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है लेवल ऑफ ऑपरेशन, कि ये जो आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, तो इसमें जो आप कन्वर्ट करोगे तो किस लेवल पे ऑपरेशन चलेगा, स्मॉल स्केल के ऊपर या लार्ज स्केल के ऊपर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस लेवल तक आप उसको ऑपरेट करोगे, बड़े लेवल पे बनाओगे छोटे लेवल पे। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल भी होगा या नहीं, क्योंकि उसमें आप प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते हो, अपने कंपटीटर के साथ कंपेयर करते हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आपके पास आते हैं, तो फिर आप फाइनली डिसाइड करते हो जो सबसे कम कॉस्ट पे आपको पड़ता है। कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ये भी डिसाइड करना पड़ता है आपको। कंपटीटर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, किस तरह की क्वालिटी दे रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए, इसके लिए लेबर इंसेंटिव है, बाहर से कोई इंपोर्ट करनी पड़ेगी मशीन, किस तरह की आपको टेक्निक चाहिए,
एस्टिमेशन ऑफ टर्नओवर एंड प्रॉफिट, टर्नओवर कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा लॉन्ग रन के अंदर, क्या प्रॉफिट मार्जिन कितना पड़ रहा है, क्या आप ब्रेक इवन कितने सालों में पूरा हो जाएगा, एंड मार्केट असेसमेंट कि मार्केट में कंज्यूमर कौन होंगे, इसके कस्टमर कौन होंगे, उनकी हैबिट्स क्या क्या है, कंपिटिटर कौन कौन है, डिमांड सप्लाई क्या चल रही है, इसके अलावा रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, रिटेलर होलसेलर के साथ सेटिंग कैसे होगी, सप्लायर सप्लाई कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं जब भी आप कोई आइडिया या अपॉर्चुनिटी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ओके, जब भी आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, मान लो आपने आइडिया को कन्वर्ट कर लिया और आप अभी प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते टाइम आपको क्या क्या फैक्टर देखने चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रैक्टिकलिटी क्या है उसकी, क्या आप उसको, आपका जो आइडिया था क्या उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकली इसका यूज क्या होगा। दिमाग में आइडिया तो बहुत आते हैं बट हम उसको प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर पाते। कॉस्ट क्या पड़ेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है प्राइस, उसमें प्रॉफिट भी ऐड होगा। उसके बाद मार्केट, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कंज्यूमर कौन है, मार्केट आपकी नेशनल लेवल की होगी या इंटरनेशनल लेवल की होगी, अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उस तरह का तो आपका प्रोडक्ट कैसे अलग होगा, स्कोप क्या होगा इसका, स्कोप का मतलब होता है कि आप इसको लोकल लेवल पे चलाओगे, मार्केट आपकी लोकल लेवल की होगी या नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की होगी, मार्केट में कंपटीशन कितना है, कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे हैं, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, आपको सप्लायर जो है वो क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा नहीं देगा, वो आपको टाइमली डिलीवरी दे देगा, कितने सप्लायर हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, वो किस तरह का उनका बिहेवियर है, प्रॉफिट की क्या पॉसिबिलिटी है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, रिस्क कितना है, मैनेजेबल रिस्क है या अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स वगैरह जो हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो ज़्यादा नाटक तो नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इसके बाद आती है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है वो ये स्टडी करती है कि सक्सेस क्या रहने वाली है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन आइडिया, जो एक आइडिया आपके पास है वो कितना सक्सेस होने वाला है, दैट इज नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी। तो इसमें हम सिर्फ इस आइडिया से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर आइडिया से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर आइडिया से आपने जो प्रोडक्ट बनाया है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सिर्फ स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी है ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो हम करते हैं उसके बाद होती है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आपको पता है कि दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो हमने पिछली बार जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग चैप्टर किया था उसमें देखा था कि माइक्रो इन्वायरमेंट में आपके सप्लायर हो गए, आपकी पब्लिक हो गई, कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आपके कंपटीटर हो गए, और मैक्रो इन्वायरमेंट में आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। तो इन सबको तो हम बड़े लेवल पे देखते हैं, पूरे के पूरे सोसाइटी के लेवल पे, बट जब आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहते हो दैट इज नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी। तो ये जो एक स्टडी होती है डिटेल स्टडी होती है जिसमें कि आप जब इस आइडिया को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में लाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं इस प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करोगे उस टाइम, और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या क्या देखते हैं, पहला है मार्केट फिजिबिलिटी, मार्केट से रिलेटेड वेरिएबल्स को चेक करते हैं, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और फिर ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर सबसे पहले हम मार्केट फिजिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस की सक्सेस में। तो हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को चेक करते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि मार्केट का साइज क्या है, मार्केट की पोजीशन क्या है, उसका शेयर क्या है, मार्केट का पोटेंशियल क्या है, कितने कस्टमर हो सकते हैं आगे, डिमांड क्या चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल कितनी हो रही है, बैरियर्स कितने हैं मार्केट में एंटर करने के, कंपटीटर्स क्या क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कितना है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या चल रहा है, कंज्यूमर जो है वो किस तरह बिहेवियर क्या है उनका, कितने दिनों में वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आती हैं। फिर दूसरा है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है आपका उसकी ऑपरेशनल वायबिलिटी क्या है। तो इस एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगी, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक होगा, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करेंगे, लोकेशन कहाँ पे होगी प्लांट की, और बिल्डिंग जो है, स्पेस जो है वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे उसको हम
लगाएंगे, पावर वाटर फैसिलिटी कहाँ से आएंगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इस बिजनेस की क्या होगी, तो ये सारी की सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी में। फिर उसके बाद आती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंस आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए उस नए प्रोडक्ट के लिए, कि जो प्रोडक्ट जो है वो इकोनॉमिकली कैसे हम उसको चलाएंगे कैसे। तो इसके अंदर हम ये चीजें देखते हैं कि स्टार्टअप कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल के सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलेंगे आपको, लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उसमें प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और ये पैसे आएंगे कहाँ से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने होंगे, जैसे मार्केट सर्वे हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी के एक्सपेंसेस हो गए, कैपिटल को रेज करने के एक्सपेंसेस हो गए, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट लगाते हैं, कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्शन की, ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस में। फिर उसके बाद लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में हम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो कैसे तैयार किया जाएगा, उसमें किस तरह से आप पावर है उसको डेलीगेट करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, कितने डिपार्टमेंट बनेंगे, डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, हायरार्की कितनी बड़ी बनाओगे, टॉप लेवल में कौन होगा, मिडिल लेवल में कौन होगा, नीचे कौन काम करेगा, डिपार्टमेंट कितने बनेंगे, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, सैलरी वगैरह का कैसे काम चलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखते हो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट।